नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आमला, बीते लंबे समय से बंद पड़ी ठेका शराब दुकान बुधवार जिला प्रशासन से हरी झंडी मिलते ही दोपहर बाद खोल दी गई। कोविड 19 के दौरान लागू लॉकडाउन को दृष्टिगत रख प्रशासन द्वारा शराब दुकान संचालित करने के नियम निर्देश भी संबंधित शराब ठेकेदार को दिए गए थे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को शराब बिक्री की जा सके। लेकिन निर्धारित नियमों का पालन कराने वाले जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन प्रमुख बेपरवाह है। जिम्मेदारों की गैर मौजूदगी में ठेकेदार द्वारा बस स्टैंड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पर शराब की बिक्री शुरू कर दी गई। अनदेखी के चलते शराब दुकान पर निर्धारित लॉकडाउन के नियमों के निर्देशों को दरकिनार कर लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का घेरा तोड़ लॉकडाउन नियम के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन इन पर नकेल कसने वाले जिम्मेदार नदारद हैं। ठेकेदार लॉकडाउन के नियमों को धाता दिखा शराब बेचने में मशगूल हैं। भनक लगते ही उमड़ी भीड़। आज दोपहर बाद शराब दुकान खुलने की भनक लगते ही लोगों का हुजूम बस स्टैंड स्थित ठेका शराब दुकान का रुख करने लगा था। इस दौरान शराब खरीदने लोगों की भीड़ काउंटर से सट गई थी। लोग लॉकडाउन के नियमों को, सोशल डिस्टेंसिंग घेरे को तोड़ शराब खरीदते देखे गए। बावजूद ना तो शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारियों ने इनसे लॉकडाउन के नियमों एवं सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात कही, और ना ही नियमों का पाठ पढ़ाने कोई जिम्मेदार यहां मौजूद था, जिसके चलते लॉकडाउन के नियमों को दरकिनार कर शराब की बिक्री होती रही। आगे देखना होगा, क्या यूं ही लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा शराब की बिक्री होती रहेगी, या इस पर नियंत्रण लगेगा, जिसका अभी रहेगा इंतजार। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन प्रमुख तहसीलदार नीरज कालमेघ से हमारे प्रतिनिधि द्वारा उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो ना ही उन्होंने फोन रिसीव किया और ना ही कॉल रिटर्न। ऐसे में कैसे पालन होगा लॉकडाउन के नियम निर्देश का, यह बात एक विचारणीय प्रश्न का विषय है। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरि प्रसाद गोहे की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।